से हैं, फर्स्ट क्लास से हैं, बढ़िया हैं, और बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं सिर्फ एक दो दोस्तों को मुखातिब कर लेता हूँ। देखें यार, कभी कभी उजलत में काम करते हैं तो आपकी कुछ शिकायतें होती हैं। मैं ओवरऑल कह देता हूँ, शिकायत क्या होती है कि आपको ऐसा लग जाता है, जो शायद रेयर वीडियो देखता है, जो हमें रेगुलर नहीं देखता, कि वो फला बात आपने गलत बोल दी। अब देखो यार, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इधर से उधर शिफ्ट हुए, अंदर बैठे ड्यूरिंग लाइव सेशन, और रिकॉर्ड करके वीडियो डालना बहुत आसान होता है, लेकिन आप सब भाइयों के प्यार की वजह से जो है वो हमारी कोशिश ही होती है कि यार लाइव करो। मैच में तो लाइव करना ही पड़ता है, लेकिन हम वैसे भी आपके प्यार में यही चाहते हैं कि यार लाइव करें। अच्छा, बहरहाल अब आ जाए उस बात पे जिस पर आपने दिन से जीना आराम किया हुआ है। तो बात यह है कि थोड़ी सी आपको इसकी तहकीकात कर आपके सामने आए हैं कि हवाइयाँ तो बहुत उड़ गई होंगी। कुछ दोस्त कह रहे हैं ये सिर्फ ड्रामेबाजी है भाई, कोई किसी का बाप विराट को ड्रॉप नहीं कर सकता। भाई बात यह है ड्रॉप की बात की किसने? अरे ये वही मीडिया है, ब्रिटिश मीडिया, एक ही इदारा है जिसने ये खबर 3-4 महीने पहले भी लगाई थी। और कब लगाई थी? अबे ये फिरंगी फितना जो है ना, अब ये देखो इनके पास हरामियों के पास कुछ राहत और नहीं, इनके पास हारने के बाद जेम्स एंडरसन से पूछो कैसा रहा, तो वो बोल रहे मुझे 700 विकेटों की कोई सेलिब्रेशन नहीं करनी, इतना मारा है मेरी तो ऐसी की तैसी। किसी से भी पूछ लो, स्टुअर्ट ब्रॉड से, यानी कि जो अकल वाले लोग हैं उनसे अगर पूछोगे ना, तो वो ये बोलेंगे कि यार हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, जिनको मिलने की तवक्को थी कि जो वो इतना बड़ा बता रहे थे, थोड़ा सा उनके हाथ में एक मैच भी लग गया पहला टेस्ट, तो उसके बाद उनको लगा कि बेस बॉल तेरी ऐसी की तेरी, बेस बॉल को जेस बॉल अकेला पूरा पड़ गया और उसने पूरी बजाता रहा आखिरी तक, और फिर मैन ऑफ द सीरीज भी लेके गया, आपको पता ही होगा। उसके बाद यार इनके आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि करे क्या। आज भी अगर आप देखेंगे तो अबे बेस मतलब अश्विन ने कह दिया भाई ये कौन सी क्रिकेट है ये। आज ही अश्विन ने कहा भाई ये कौन सी क्रिकेट, कौन कह रहा है एग्रेसिव भाई, ये कोई घंटे की एग्रेसिव क्रिकेट है। तो अपना फैन है, आपको पता है, तो वही कहेगा जो हम कहेंगे। कहने लगा मेरे करियर का जो सबसे बेस्ट बॉलिंग है वो सेकंड टेस्ट है, मैंने तो नहीं कहा अश्विन को तू जाके बेस्ट बॉलिंग, हम कह के गए अपने शो पे, उठा लो दूसरे दिन की पूरी वीडियो, उसके अंदर 3-4 मरतबा ये कहा है कि अश्विन द ग्रेटेस्ट, यानी कि मैं तो कितना खिलाफ रखता हूँ। अश्विन ने आज अपने मुंह से कह दिया। अच्छा, अब ये फिरंगी फितना फैला कैसे? अब ये 3-4 महीने पुरानी ये खबर है, और इससे पहले भी कोर्ट की गई थी, हमने इसके ऊपर अपने यकीनन वर्जन दिया होगा। यार विराट कोहली मतलब एक क्रिकेट में एक ही आदमी है जो ओलंपियन भी है, उसका नाम है विराट कोहली, सही है, जिसकी तस्वीर पे ओलंपिक चलेगा। भाई तुम लोग तुम्हारी ऐसी की तेजी, सुबह सुबह तो एक तो घर से तुम्हें गालियां मार के तुम्हें घर से निकाला जाता है, बाहर निकलते हो तो तुम्हें लोग तुम पे लानत दे रहे होते हैं, जब पहुंचते हो अपनी जगह पे तो जबान इतनी लंबी निकाल के बैठे आते सुबह ही सुबह लानत है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वो एजेंडा जो एक मगरबी मीडिया का एजेंडा है, जो ब्रिटिश मीडिया का एजेंडा है, वो तुम उछाल रहे हो यार, अपने हाथ गंदे कर रहे हो, कालक मल रहे हो, अपने मुंह पे कालक मल रहे हो। वो भी अपने मुंह पे, एक बंदा जो क्रिकेट में अपने बच्चों को मौका देता है कि यार मैं नहीं अवेलेबल नहीं हूँ, तुम लोग खेलो, तुम लोग खेल लो, मजे करने हैं। अबे तुम्हें जरा सा फायदा नजर आया, तुमने बोला दिन भर तो हम कुछ करते कराते है नहीं, कुछ हमारी सुनता सुनता है नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद मयारी तौर पे गिरते जा रहे हो नीचे, तो विराट की लल्लो निकाल के सुबह सुबह बैठे। अबे लानत है तुम्हारे मुंह पे, ऐसी की शर्म नहीं आती तुम लोग, शर्म तुम्हारा मोहता, तुम्हारे एनालिसिस का मोहता जो विराट कोहली। अबे शर्म करो तुम लोग, मतलब विराट को ड्रॉप करो, एक आदमी जो फील्ड में ही नहीं है। मैं आज कोट कर देता हूं, आदमी ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, सब उसके पास जाओ, क्योंकि मैं देखते हैं हम दोनों भी कि कुछ लोग यही काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं ट्विटर पे स्टेट्स वगैरह, जाके जरा अदादो शुमार देख लो, क्या नाम है उसका, मुफद्दल वोरा, मुफद्दल वोरा के अदादो शुमार उसने लगाए विराट कोहली के सिर्फ T20 क्रिकेट में। फिर बोलो कि हमारा बाप नहीं, क्रिकेट का बाप है, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। हाँ तो जरा सा चेक कर लो और बेगैरतियों से बाज आ जाओ। मैं बता रहा हूँ उन लोगों को, बल्कि मैं उन लोगों को वॉर्न कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ वॉर्न करने वाला, बता देता हूँ। मैं पहले हूँ क्रिकेट का एक फैन, मैं हूँ पहले क्रिकेट का एक क्या कहना चाहिए तालिब इल्म स्टूडेंट, लेकिन कहने की बात ये कि भैया ये तुम्हारी बैंड बच जाएगी, मेरी बात को समझ लो। ये वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का भी था, रोहित शर्मा की अपनी इज्जत है, अपनी अहमियत है, इस 50 ओवर के वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने में भी अगर कोई समझता है, कोई चे का बच्चा, माजरत जब जज्बात की बात होती है ना बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे, मैं वरना चीज़ों को काम डाउन करता हूँ 99%। अबे तुम लोग बैठ के तज्जिया और तबसरा
करोगे विराट कोहली पे? अबे तुम्हें तो दुनिया के सबसे सुस्तरीन बल्लेबाज ने अपने चीजें देने से मना कर दिया, तुम बैठ के बजाओगे विराट कोहली की? अबे फिर एक बार तुम लोग जाग गए हो, तुम लोगों को सीधा और उल्टा पाऊं तो पता नहीं होता, तुम लोगों को ये तो पता नहीं होता कि भारत से खेलने का अहल सिराज है कि नवदीप सैनी? बातें तुम्हारे पास ऐसी है करोड़ों की। तुम तो जैक्सन नाम देख कर ही तय कर लेते हो कि बाहर का आदमी हमारा आदमी नहीं है, तुम्हें तो घंटे का कुछ पता अब समझ नहीं आ रहा भैया। एक आदमी जो फील्ड का हिस्सा बना हो, फील्ड में कुछ कर रहा हो, याद है आपको 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट और रोहित ने अपने आप को पीछे कर लिया था, आपने की नहीं थी, अफगानिस्तान वाली रही है उसमें भी दो मैच देख लो। अबे तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि एक आदमी जो अपने आप को खुद तय कर लेता है कि नहीं यार उसका मूड नहीं है, वो इस फेज में नहीं है, वो सिनेरियो में नहीं, नहीं खेल रहा क्रिकेट, जाया करूंगा अपने आप को, साइड पकड़ लेता है कुछ अरसे के लिए, इसका मतलब ये हो गया तुमने खाली जगह देखी वहां। अबे उस जगह पे नंबर 3 पे फिर तुम्हारे ख्वाब में आता कैसे है कोई विराट के अलावा? मेरा सवाल ये यार नेटवर्क का हो रहा होगा, मैंने माइक पहले ही निकाल दिया था जब तुम लोगों ने कहा है ना कि अब ठीक हो गई, तो ये नेटवर्क से हो रहा है, ये कोई वॉइस का वैसा प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो यकीन। तो वो आदमी अभी फील्ड से जरा सा बाहर क्या गया, अपने आप को पीछे किया, 2 टेस्ट का उसने रिलीफ मांगा, उसके बाद शायद बीसीसीआई के पीछे उसकी कोई बात हुई हो और वो फिर 5 टेस्ट में अवेलेबल ना हो। अभी आईपीएल, अरे दुनिया का कोई भी लीग किसी भी तरह की क्रिकेट विराट कोहली के मयार को नहीं जांच सकती भैया, वो अगर वो जांच रही होती ना तो विराट खेल ही रहा होता अभी तक। जी हाँ, अबे इसीलिए तो मोहताज नहीं है तुम्हारे एनालिसिस का, वो किसी के मेरे भी एनालिसिस का मोहताज नहीं होगा। विराट पे एनालिसिस थोड़ी होता है, बस ये बात होती है कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अबे जो क्रिकेट की बुक को खत्म कर मार चुका है यार, अपनी लिख चुका है वो यार खत्म। मैं फिर वही लेके आऊंगा भारतीय क्रिकेट लवर्स को, मैं फिर वही लेके आऊंगा कि देखो अगर इंडिया को बहुत कुछ मिल चुका है T20 में, तो आखिरी T20 वर्ल्ड कप में हमारे ही ये बॉलर जिनको आज बच्चे भी मार रहे हैं, ये हारिस रऊफ, ये शाहीन, इनके सामने किसकी मजाल हुई थी? कौन है यार? हम सब डिफरेंट टाइम्स में क्रेडिट देते हैं, सूर्या को भी देते हैं, औरों को भी देते हैं, ये बता दो जरा कि अगर इन सब का बाप विराट कोहली नहीं मौजूद होता जो आज उसको टीम से बाहर करने की बातें कर रहे हैं, तो कौन जितवाता तुम हमसे? कम से कम 80 रन से हारते वो मैच, तुम 80 रन पे ऑल आउट हो गए थे अगर विराट नहीं होता। जिसको क्रिकेट की समझ है वो ये बात मानता है। अबे किसी भी 30 रन पे 4 विकेट गिरी हुई थी तुम्हारी, कमाल हो गया और 7 ओवर हो गए थे। काहे मेरा इशू रिटायर है अभी उसका नाम ले रहे थे आज, मतलब मुंह छुपाने के लिए नाम क्या ले रहे? तो उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वरना 3 नंबर पे तो वो भी उससे भी 250 मारे। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे तो जैसा से पूछ लो यार उसके बारे में, उसका कौन दुश्मन है? समझे ये तुम क्या कल के बच्चों का लॉन्डो का नाम लेके विराट कोहली से कंपेयर करने लग जाते हो? फिर तुम लोग बोलते हो तुम्हें क्रिकेट आती है, भाई इदारे का नाम यहाँ बैठ के लेना मुनासिब नहीं है। ये बरतानिया का मीडिया है या इसने, ये वही मीडिया है जिसने सबसे पहले ट्विटर की चै मगोइयां देखकर इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल की पिचेस के बारे में भी गलत बातें डाली। ये वो लोग हैं, मैं आपको बताऊं, एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया और एक ये वाला मीडिया जिसने जिसकी रिपोर्ट में कुछ घंटे के नाजायज क्रिकेट एनालिसिस उछल रहे हैं, मैं सीधी सी बात बताऊं उनकी लेकर आए, जबकि कल जय शाह के बोल के गए हमने ये बात करी है कि भैया कोई सऊदी अरेबिया हो या कोई भी हो, बीसीसीआई एक फैमिली है और ये अपने मसाइल खुद देखती है, अपने पैसे खुद लगाती है। अब जब बीसीसीआई का सेक्रेटरी जय शाह ये कह रहा है कल, तो ये कैसे किसी मगरबी आदमी की, अभी ये क्या फितना अंगेज बैठे हुए तुम्हारे अंदर, तुम उनको सर ग्रेट लॉर्ड कह कह के ना उनके उठाते हो, चुपते हो, चूसते हो, चाटते हो साले, इसलिए तुम उनकी खबर पे, तुम्हें इसके अंदर मसाला नजर आया। हाँ। तुमने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ विराट कोहली पे बात कर लेते, वैसे ही वो फील्ड से दूर है, हो सकता है गेम चल जाए, हमारी बात के ऊपर कोई ना कोई रिप्लाई दे देता है वो घंटा, तुम्हारी रिप्लाई, ना तुम्हारी शक्ल है, ना तुम्हारी औकात है, ना तुम्हारी क्रिकेट की इतनी समझ बूझ है कि तुम्हारी ऊपर रिप्लाई करेगा, वो लानत दे देगा, मुंह देगा, मगर तुमको मुंह नहीं लगाएगा। वो बता दूं, तुम्हारी पहले दिन से कोशिश थी कि किसी तरह जो है ना ब्लैकमेल स्लैकमेल, ये वो तुम्हारे पहले वाले हरकत जो हरकारे थे वो तो लपेटे में आ चुके थे बीसीसीआई के, तुम भी किसी ना किसी दिन आ जाओगे भारत। भाई क्या समझ रहे हो तुम, क्या ये क्या कोई मतलब सूप है क्या? मतलब ये कौन सूप है क्या? कन छोड़ पसारे मशरूम सूप है क्या? ऐसे क्रीम ऑफ मशरूम सूप यूज करोगे और छुड़प कर जाओगे? अबे विराट कोहली है वो, कहां है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है बीसीसीआई का? और बीसीसीआई मेरे मुझे इतना जरूर यकीन है कि ये कभी क्या बता रहा था, फितना मचाने वालों की ऐसी की तैसी, माइकल बेवा, रूहानी मामू, ये इनके टच पे। अबे वहां
मुझे एक बात बताओ, अबे मैं तो पूरा मालूम, सब मालूम होता है, असल में आप समझे नहीं। फिर ये कि बीच में जब कूदता है ना आदमी, लगेगा बुरा तुम्हें। ये बताओ सिलेक्शन पैनल पूरा है अभी, है नॉर्थ जोन की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? कोई नहीं, अजीत अगरवाल विराट कोहली को ड्रॉप करेगा। नॉर्थ में बुराई में नहीं कह रहा, नॉर्थ का सिलेक्टर कौन है मुझे ये बताओ? है ही नहीं, है ही नहीं। ईस्ट का, वेस्ट का, सेंट्रल का, और अजीत अगरकार से वालामसी निशानी है, है? वो भाई अजीत अगरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाँ ले आए जो लिखा था। तुम क्या समझ रहे हो, क्या हम लोग क्या होमवर्क नहीं करते? या हम ऐसे ही बैठ जाते हैं कि जो आया वो भाई कर दो। अभी तुम्हें सिलेक्टर सलील अंगोला वैसे, हाँ सलील अंगोला, श्री श्री सुंदर दास जनाब आ गए सेंट्रल के, ये सुंदर, हाँ ठीक है। अच्छा शरद पवार, नहीं नहीं शरद है, शरद है कोई, ये शरद है साउथ के, और बैनर्जी है ये ईस्ट के। सबूर तो, सबूर तो बैनर्जी 91-92 वर्ल्ड कप में भी गया था ये। का किधर है इसके अंदर? चेतन शर्मा को तो पूरी बारात मिली हुई थी, अजीत अगरकर को अभी तक पूरी बारात। फिर ये कि इस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन है? नहीं यार हम किसी जगह की बात नहीं कर रहे, हमारे उस आदमी की बात कर रहे, हम तो कह रहे ब्रिटिश मीडिया ने। अबे इनमें से किसी की टांगों में दम नहीं है, हाथों में कलम नहीं है, और मुंह में जबान नहीं है, लरस जाती है। देखो बीसीसीआई ऑफिस, मैं तुम्हें बताऊं हुआ क्या है, बीसीसीआई को ड्रॉप करोगे तुम लोग? बीसीसीआई ऑफिशियल के कुछ लोगों ने ये बात करने से भी इनकार कर दिया जब उनसे पूछा गया कि भैया ये बताइए कि विराट कोहली के हवाले से इस तरह की खबर। उसने बोला घंटा हम तो को बोल ही नहीं सकते इसके ऊपर भैया, तुम्हें अंदाजा नहीं है। अच्छा चलो मैंने मान लिया, हर आदमी खराब कारकर्दगी पे बाहर होता है। इस वक्त विराट से अच्छी टी20 में और कितनों की कारकर्दगी है आखिरी दो साल में वर्ल्ड कप्स में? टी20 वर्ल्ड क्रिकेट जो होती है यानी वर्ल्ड कप, उसमें कोई है जो विराट के आसपास भी आता हो? अबे तुम्हारे तो बताओ कौन उसका रिप्लेसमेंट टी20 में, कौन है नंबर 3 या 4 का उसका नाम बताओ, क्या तुम्हें यकीन है? विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, हम सब सूर्या को 360 बोलते हैं, सब कुछ पता है सबको, लेकिन किसी फंसी हुई स्विमिंग ट्रैक पे तुम्हें यकीन है सूर्या जिता देगा ना? सूर्या जिता देगा ना फंसी हुई विकेट पे? फिर रोना नहीं बाद में। अबे विराट को देख के तो ये खेलते हैं। अबे इतना बड़ा करियर उसका, एक दफा भी वो फिटनेस की वजह से बाहर नहीं हुआ। तुम्हारे जितने नाम ने निकला, तुम्हारी ऐसी की तैसी बाहर हो, जितने प्लेयर है किसी का भरोसा है कि वो अगली सीरीज में होगा? तजिया करो करो, एजेंडे काय को चलाते हो यार? तुम्हारे एजेंडे पे ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है? नहीं उछल उछल के जैसे चीटों में कीले लगे नहीं, नहीं यूं करके। अबे तुम्हारी ऐसी की यूं करके, यूं करके शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दो हमारे पाकिस्तान में देखो एक ईमानदारी की बात है, तेज नहीं खेलता जब इंटरनेशनल बड़े बोलर्स के सामने जाता है, मैच फंसा के फिनिश नहीं करता, कहता है भाई कोई हिटर ही करे, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी स्टिल हम बाबर को टीम से ड्रॉप करने के चक्कर में नहीं रहते कभी, मैंने तो कभी नहीं कहा। हम तो ये कहते हैं कि साइम आया तो बाबर उसके साथ ओपन करे, रिजवान नहीं, रिजवान हादसाती ओपनर है। अभी ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी देर पहले उसको एक बॉल पड़ गई आमिर की, अबे वो मारता ही तो नहीं है शुरू में, तो वो पक्का मिडिल और लेग की बॉलों पे ही झाड़ू चलाता है। देखिए एक प्लेयर अपनी वेकेशंस के लिए गया, वेकेशन बढ़ा ली उसने। अच्छा ये कोई पहली दफा थोड़ी है कोई कि उसने चोंचलेबाजी करी हो, ठीक है ये इंतजार में रहते हैं। मैं एक जमाने से देख रहा हूँ यार, पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ, कुछ लोगों का एजेंडा, उनका खाना पीना, उनकी मतलब नालायकियां जो है ना वो आके ठहरती किधर है? विराट कोहली पे एनालिसिस करने पे तुम मतलब, मैं ही कह रहा हूँ क्रिकेट देखना है और खेलना छोड़ दो भैया, अगर तुम्हारे अंदर ये वाला कीड़ा है तो बोलो मार भी दूंगा ये वाला कीड़ा। मतलब खिलाड़ी पे एनालिसिस बन सकते हैं यार, विराट पे थोड़ी बन सकते हैं, विराट खिलाड़ी है नहीं बन सकते। अबे बाप है वो क्रिकेट का यतीम, जब कहलाओगे तुम जब तक बाप है यतीम भी नहीं कहला सकते तुम। जी हाँ ये याद रखना, तुम क्रिकेट का बाप वही है जी, तुमको यतीमों वाली शक्ल बना के बैठ जाते हो हैं विराट पे एनालिसिस करने के लिए। यार कमाल हो गया, एक आदमी रिप्लाई नो रिप्लाई है, शट अप कॉल है तुम्हें, शट अप। और फिर भी वो बरतानवी मीडिया उठा के लाए, जिनकी अभी मैयतें उठा के धर्मशाला में दफन करी है जयसवाल ने, उन जयसवाल से पूछो ना विराट क्या है। टी20 क्रिकेट सबसे पहले कहां से खेला? आईपीएल में कहां से खेला? आरसीबी से। ये देवदत्त पदिकल कहां से खेला टी20 क्रिकेट सबसे पहले? जहां उसने पहली बार रन बनाए एक बड़े मंच पर, मतलब एक बड़ा मेला लगता है ना आईपीएल का, वो भी आरसीबी से। मतलब इन सबके कॉन्फिडेंस जो आपको इनकी बल्लेबाजियों में दिखता है, राजा पाटीदार में भी, ये आपको कहां से दिखता है? ये सब विराट के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके। कुछ लोगों ने लिखा
यार माइक पे नहीं है भाई, माइक पे नहीं है, डायरेक्ट है, अब एक मिनट रुक जाओ, अगर नेटवर्क का कोई इशू है तो वो ऐसे हल हो जाएगा। कोई खबर ही नहीं है, मतलब ये है कि यार ये कोई घर की घर से निकली है तुम्हारे बीच सीआईडी ने निकाली है खबर, रूमर्स वो भी एक ऐसे टैबलॉइड पेपर की, टैबलॉइड है यार ये, मैं तुम्हें बताऊं दो नंबर अखबार है ये, दो नंबर खबरें छापता है ये। ओके हो गई ना, ठीक है, उसकी भी इंटेंशन ये है कि यार मेरी खबर पे विराट कोहली सू फाइल कर दे मुझे, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए इसके अंदर, इंटरेस्ट ये है, क्यों कि उसने अभी तक कोई बात उसकी निकलती नहीं है भाई, वो अपने लोगों से बात करता है, मीडिया पे आता है अपने लोगों से बात करता है, अपने लोग कौन है, टेस्ट सीरीज जीतने में किसने मुबारकबाद दी, अपने लोगों को मुबारकबाद दी, आया मुबारकबाद दी चला गया, अब क्या वो ये भी बताया कि सुबह उठता कब है, नाश्ता कब करता है, दोपहर में कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, पोटी वोटी सब पता है तुम्हें क्या, वो नहीं असल बेचैनी लोगों को यही है, वो खबरें नहीं देता, पहले क्या अंदाजे थे विराट बाहर हो गए, विराट ये हो गए, विराट ये हो गए, नहीं एक दफा इन्होंने खबर ये भी चलाई, विराट जो है बड़ा वो अपने पसंद के लोगों को कमरे में बुलाता है और किसी को बुलाता नहीं, जबकि धोनी के लिए दरवाजे खुले रहते थे, धोनी सबको बुलाता था, धोनी था भाई एक्सेसिबल था, और महेंद्र सिंह धोनी को सचिन तेंदुलकर भी मिल लेंगे जी, अगर वो फोन करेगा कि सचिन सर सचिन भाई आपसे मिलना है, वो तो साथ खेला है, कप्तानी की भी है उसने सचिन की, अगर सचिन को वो पसंद नहीं होते तो सचिन मना कर देते, तो यार कहने की बात ये है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस पे आया करो, ये कोई मतलब एक बात होती है ना कि फला को ड्रॉप कर दो, तो हमने तुम्हें एक मिसाल दी कि हमारा एक खिलाड़ी है, अब तक ये प्रूव नहीं हो सका कि वो मैच जितवा के बाहर जाता है, लेकिन हमारे पास यार ले दे के तीन चार साल में एक वही आदमी दिखता है जो कम से कम 60-70-80 बॉलें खेल तो लेता है लगातार, बाबा उठाई कहां से, बाबा उठी कैसे, बाबा यूं करके उठाइए कि देखिए जी शुभमन ऊपर हो गए, जैसे भी जयसवाल ऊपर हो गया, ऋतुराज का फ्यूचर है ये, ऋतुराज गायकवाड़ आ गया, रोहित शर्मा आ गए, चार तो आपके टॉप ऑर्डर में आ गए, नंबर तीन के लिए वो ढूंढ रहे थे, रिंकू भी हो सकता है, सूर्या भी हो सकता है, अय्यर भी हो सकता है, केएल भी हो सकता है, ठीक है, सूर्या को भी आप खिला सकते हैं, मतलब पांच छह लोगों के नाम वो रख रहे हैं तीन नंबर के ऊपर, मतलब ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन, विराट विराट का ऑप्शन है ही नहीं है बेटे, विराट का ऑप्शन लोग उसकी बराबरी कर करके लोग आज तक कुछ नहीं कर पाए, उसके बराबर का क्या, बराबर का बे का नुक्ता भी नहीं बन पाए, समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी ऐसी की तेजी, तुम विराट के नंबर पे ऑप्शन, अबे ये सारी फौज पूरी पूरी फौज आए थे, अबे पूरी फौज से भी बाहर हो गया वो घर में, पूरे लौंडे उतार दो, तीन नंबर पे अकेला खड़ा होगा, अगर उसकी सीरिया सही है, अच्छा खिलाड़ी बुरा नहीं था, लेकिन एक बार पॉलिटिकली हमें भी पता है, हम बार बार नाम नहीं लेंगे कि किसने उसको काटा, जाइए बयान दे दे, मैं नंबर तीन पे खेलना पसंद करता हूँ, डॉट बॉल खेलना किराए, कितना मंडा है उसको, देखो कहाँ गई क्रिकेट उसकी, उसकी क्रिकेट कहाँ गई, वो सियासत में पड़ता है ना, उसकी क्रिकेट नीचे ही चली जाती है, सोशल मीडिया पे नहीं खेली जाती, क्रिकेट मैदान में खेली जाती है, ये बता दो विराट कोहली के जो करीब के लोग हैं क्या वो ट्वीटे कर करके विराट की मतलब अपनी सेल्फ प्रमोशन करवाता है, ये लौंडा जो है, तुम लोग ही बहुत हो, पब्लिक बहुत है उसकी, उसके पीछे पब्लिक है पूरे एशिया की, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे, यार अब ये खबर छपी है इंग्लैंड के एक बहुत बड़े इदारे में पहले, और इंग्लैंड का अभी अभी रिटायर होने वाला मतलब मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट बॉलर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड, उसकी भी 600 विकेट है, और अगर मुझसे पूछो तो इंग्लैंड से बाहर निकल के स्टुअर्ट ब्रॉड एंडरसन से ज्यादा इफेक्टिव होता था, वरना रिकॉर्ड देख लो, वरना स्टैट्स देख लो, स्टुअर्ट ब्रॉड ने सिर्फ गालियां नहीं दी हैं, वरना भरत सिरवी से पूछ लो वो लगा देगा, या मुफद्दल वोरा से कह दो वो लगा देगा भाई, स्टेट्स इन लोगों का काम है ना ये जरा निकाल निकाल के रखते हैं, पूछा गया ना विराट कोहली के हवाले से खबर चल रही है इस तरह की, इस तरह की, उसने बोला क्या, वो तो कह रहा पागल हो रहा हूँ क्या, बोला कि बेटे मैं गालियां मिली नहीं लिखना, गालियां भी दी उस जिसने सवाल किया उससे, बात ये कि यार आप कमाल हो गया यार, कि भाई उसकी एक फ्यूरी है भाई, विराट शर्म क्यों नहीं आ रही, कमाल हो गया यार विराट, एक शर्म मतलब वो एरा से आप लोग एरा से आगे का आदमी है भैया, वो इस दुनिया का नहीं, इस कायनात का अनोखा, कायनात का अनोखा खिलाड़ी है, पूरी यूनिवर्स का अनोखा खिलाड़ी है वो, उसके ना तो बराबर कोई है ना उस जैसा कोई है, नहीं समझ रहा तुम, हो सकता है ये भी बता, रोहित शर्मा से मेरी गुजारिश है कि अगर आपसे इस सिलसिले में अब आप किसी को अगर कहीं मिलेंगे तो आपसे सवाल होगा, तो आप वो बात याद रखिएगा कि जब विराट से सवाल हुआ था कि रोहित को आप नेक्स्ट मैच में ड्रॉप करने का सोच रहे हैं तो उसकी जगह खिलाएंगे, तो विराट हंसे थे कि, और फिर वो ये बड़ा फेमस है विराट का वो प्रेशर में बात, उसने कहा यू वॉन्ट कॉन्ट्रोवर्सी तो मुझे बता दो, मतलब मैं आपको हिंदी उर्दू में बताता हूँ कि अगर तुम कंट्रोवर्सी चाहते हो तो बता दो, तुम यू ड्रॉप रोहित शर्मा फ्रॉम टी20 आईज,
तुम्हें पता है वो कौन है? तुम्हें पता उसने आखिरी मैच में क्या किया था? क्लिप चेक करो जाके। विराट ने सर पर, और रोहित ने भी ऐसी कहा था कि विराट को कॉन्फिडेंस की जरूरत है। यानी रोहित के शक्ल पे क्या आया था कि अबे मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि यार रोहित तो भारत का सक्सेसफुल एवर टेस्ट कैप्टन विराट कोहली, रोहित शायद खुद ना जाए खेलने के लिए। देखो यार, ये असल में आप समझे नहीं, ये हंगामा खड़ा क्यों किया गया? एक तो लोगों के मुंह में जबान दी गई, ठीक है, लोगों के मुंह में जबान दी गई ताकि फितना फैले। ये फिरंगी फितना, इसीलिए मैं कहता हूँ डिवाइड एंड रूल। हार गए, अब इन्होंने बोला फितना क्या फैला है, वही 3 महीने पुरानी स्टोरी मैं लगा दूंगा। ये वो स्टोरी दोबारा छापी है भाई, रीराइट हुई है, स्टोरी दोबारा छापी है, उसके मजे लिए उन लोगों ने बैठ के। जो विराट के अंडरवेयर भी अगर नजर आ जाए ना सूखता हुआ कहीं, उसकी भी तस्वीर खींच के लगा दे विराट के अंडरवेयर। ये इस तरह के मरे हुए और कुन जहन और जलील लोग है जिस तरह के विराट के खिलाफ एजेंडा चलाते। मैं आप सीधी सी बात, वो खबर आपने, ये खबर इन्होंने जब विराट की फॉर्म नहीं गई थी, सिर्फ 100 नहीं आता था T20 उसकी कारकर्दगी तब भी बड़ी जबरदस्त थी। इन्होंने तब ये गेम चलानी शुरू की थी। फिर इन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप की पाकिस्तान वाली जब इनिंग देखी, यहां उसने हर किसी को पीटते हुए उस वर्ल्ड कप में देखा, ये पांव पड़ गए। अब ये सिर्फ विराट को देखते ही उसकी तारीफ करते हैं। अरे नाजायज तारीफ तो पकड़ी जाती है ना। क्या इंडिया में कोई बन गया ऐसा प्लेयर? चलो भारत में मैंने, चलो मैंने एक ऊपर की बात भी मान ली, हमें और आपको तो पता है पूरे वर्ल्ड कप में बैठे थे, पिचेस कैसी थी, कोई ऊपर थी कोई नीचे थी, कोई किसी पे सीम हो रहा था, लेकिन मैंने मान ली। क्या इंडिया में कोई माइका लाल पैदा हुआ जो अपने घर में ही होने वाले वर्ल्ड कप में विराट से 70% रन भी करके गया? कितने थे? 750 रन थे ना विराट के। मैं तो उम्मीद कर रहा था एक वर्ल्ड कप में 750। पांच पांच वर्ल्ड कप खेल के 1000 रन हुए। मैं किसी को किसी से मिला नहीं रहा अपने अपने दौर के ग्रेट से, जरा चेक कर लो जावेद मियांदाद साहब के 1000 रन वर्ल्ड कप में कौन से वर्ल्ड कप में हुए थे। मैं सिर्फ ये बता, जरा चेक कर लो सचिन तेंदुलकर साहब के, जो तो विराट की भी इंस्पिरेशन है, उनके कब हुए थे? अरे क्या मजाक लगा हुआ है? जब मतलब तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं होता, तुम लोग बैठ जाते हो कि विराट कोहली पे एजेंडा चलवा दे, क्योंकि ये ब्रिटिश मीडिया पे खबर निकल गया। मैं लानत भेजता हूँ मैं ब्रिटिश मीडिया के उन लोगों पे। क्रिकेट की बातें करोगे तो तुम्हारी पहचान होगी, कोई सीरीज का बताओ, इंडिया के फ्यूचर का बताओ। इस कॉलोनियल माइंडसेट वाले जो लोग बैठे हैं, भाई तुम अपनी अपनी कोई खबर बनाओ, अपनी कोई रिसर्च करो, ठीक है, अपना कोई स्टिंग ऑपरेशन टाइप करो, कुछ खुद निकाल के लाओ ना। किसी पराई चीज पर तुम उछल कूद कैसे रहे हो? और कुछ बेशरम इसको रंग दे रहे हैं दोबारा विराट वर्सेस रोहित, उसको ऐसा हरगिज नहीं है। इतना फैलाया इसलिए गया है, फिर लड़ाई हो विराट के पास से तो इन लांतियों को कोई काउंटर मिलना नहीं है, ठीक है। ये रोहित रोहित से ले लो, रोहित से ले लो, कुछ नहीं तो कहीं सचिन नजर आए घूमता हुआ, ठीक है, उससे पूछ लो कि भाई खबर चल रही है। लोग कह रहे हैं मेरे घंटे से कहते हैं लोग, तुम नहीं कहते, तुम्हें 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 जो लोग कहते हैं वो पता है हमें कि वो अंधेरे में करते क्या है। पहली बात, मैं बड़े एहतराम से जो भी है दुनिया में, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये मैं जो असल बात है मुद्दे की, वो ये बताने वाली है कि यार उनकी खबर उठाई तुमने काउंटर लेने के लिए, तुमने काउंटर लेने के लिए कि तुम्हारी भी कोई सेव बन जाए मार्केट के अंदर, कि हमें तो लोग कह रहे हैं मेरे घंटे पे चढ़ गए। कौन से लोग हैं ये? कौन से तुम्हारे शदीद मेले लोग तुम्हारे पास होंगे जो तुम्हें कहते होंगे लोग कह रहे हैं? उन लोगों के काउंटर लेने के चक्कर में विराट काउंटर देंगे नहीं, रोहित चमाट मार देंगे इसके ऊपर। यार ये आरएमओ जो भी तुम्हारी आईडिया भाई, ये कंपैरिजन गेम नहीं चल रहा है। देखो मैं सीधी कोई और बात हो रही है, तू रोहित के रन लिख के दिखा रहा है, हमें भी बताएं। मैं एक बात बता दूं, विराट नए बच्चों की बात करो, कोई निकला माइका लाल विराट और रोहित के बाद कोई निकला जिसने इस वर्ल्ड कप में? कोई और निकला? अबे विराट ने तो 50 किया है। कोई निकला जिसने 125 करके फाइनल जिता दिया? चलो मैं हर वक्त टेक्निकल क्यों, पिच विच जो भी थी, कोई निकला जिसने 125 किया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पे? नाजायज नतीजे निकलते हैं जो विराट कोहली पे एनालिसिस करते हैं, देख लो। पहला मैच भी विराट की वजह से जीतो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चिनाई में दुनिया जानती है 3 विकेट गिरने के बाद। ये थोड़ी वो कंडीशन थी सबसे मुश्किल, नहीं उसके ऑप्शंस बड़े तगड़े हैं ना, रिंकू देखे नहीं, नहीं अब मसला ये क्या करते हैं मार्केट में के बच्चे गंदे करवा दे, इसमें ना रिंकू का कसूर है ना किसी का कसूर है। ओ भाई सूर्या का हम सबको पता है और हमें मालूम है गिवन डे पर वो बहुत खतरनाक हो जाता है, बट एक मेगा इवेंट होता है ना भाई, वहां आपको एक आदमी चाहिए टॉप ऑर्डर में। विराट अपनी मर्जी से 3 खेले, वो T20 में 3 खेलते हैं, याद रखना T20 में 3 खेलते हैं, खेलेंगे तो विराट के बगैर आप फारिग इसलिए हैं। आप आखिरी वर्ल्ड कप अपना जरा देख लें, सूर्या भी था,
अबे एक एंकर चाहिए होता है वर्ल्ड कप जब खेलने जाते हो आप T20 का, और विराट सिर्फ एंकर तो है नहीं, विराट तो आखिर में इतना मार देता है कि मुझे T20 वर्ल्ड कप में कोई ऐसी दूसरी तारीख बता दो कि चेजिंग और विनिंग कॉज में किसी ने बात की 21 गेंदों पे 60 वाट रन जितने विराट ने बनाए, 61 थे या 63 थे जरा लिख दो किसी को याद है, बनाए हो। अबे 3 रन पर बॉल खेला था वो मेलबर्न में, बात ये काउंटर दे उस वक्त गुवाहाटी में नहीं खेला, मेलबर्न में खेला है। नहीं नहीं मैं सिर्फ ये बता दूं काउंटर उस वक्त मजा आता है जब देने का लॉजिकल काउंटर, उस दिन हारिस राउ बहुत खतरनाक बातें गेंदे कर रहा था तो लॉजिकल काउंटर में फिर आपको 61 बताओ नंबर से मारेगा, मगर ये जो खिलाड़ी आपके ख्वाबों से ज्यादा रन T20 में मार चुका हो यार, 4000 से जायद माफ कर दे विराट कितना मारेगा है? इतने मार चुका हो ठीक है, कौन इनसिक्योर हो रहा है ये? उस पर बजाए ये कर उसके लिए दुआ करने के, उसकी तारीफ करने के कि भैया तू जहाँ जाता है दुनिया वहीं जाती है, नहीं उन लोगों की बात नहीं कर रहे हम, क्या गोरों की बात कर रहे हैं कि गोरों ने माहौल बनाया, जैसा खेलता है दुनिया सिर्फ इंस्पायर कर सकती है, तो जो इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी बन गया हो क्रिकेट की, देखो क्रिकेट में फॉर्म होती है विराट कोहली सिर्फ परफॉर्म होता है ठीक है, क्रिकेट की फॉर्म खराब हो सकती है विराट की नहीं, तो जो इंस्पिरेशन बनाओ पूरी दुनिया की क्रिकेट को लेके उस पर तुम मतलब अपनी जबान जला दो काट दो, मैं तो कह रहा हूँ अबे या तो कोई ऐसा काम कर लो तो जबान मसरूफ रहे तुम्हारी, कंपैरिजन की अगर उम्र बढ़ाते हैं बढ़ानी होती है ना, मैं अब तुम्हें एक और तरह से समझाऊं, कंपैरिजन की जब उम्र बढ़ानी होती है बढ़ानी होती है तो कंपैरिजन बड़ा वैलिड लाना पड़ता है, देखो हमारे यहाँ हमारा जो इस वक्त का दौर है हाजिर का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला आदमी है बाबर आजम, बिल्कुल जब इसका विराट से कंपैरिजन हुआ तो यार देखो हम तो ओवरऑल क्रिकेट की बात करते हैं और बात करते हैं, अब कल हम जल्दी में थे वरना हम बताते कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से मैच मारा है 3 विकेटों में, अब आप लोगों को पता भी हमारी थोड़ी सी इन दिनों कमिटमेंट है 2-4 दिन में वो पूरी हो जाएगी PSL के साथ, थोड़ा सा ऐसा है अब आज बैठे आज थोड़ा खाली है तो ये होमवर्क हुआ हुआ है आपको पता चल गया कि आपका एक सिलेक्टर कम है, एक एरिया में सिलेक्टर ही नहीं है, तो बात ये कहने की कि अब आप लोग ये वाले मामला करो पहले, आप ये वाले मामला सुने ठीक है, और आप लोग ये वाले मामला सुने, आप एक बात बताएं टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठकर भी अगर कोई गलत सवाल होता है तो क्रिकेट से उसका काउंटर करते हैं ना, हमारा ये तो नहीं है ना कि इधर ड्रामा कुछ और है इधर ड्रामा कुछ और है, इधर हमने एक आदमी छोड़ा हुआ है, ओ भाई हमें कुछ अगर इंडियन क्रिकेट में भी बुरा लगा है तुम सब गवाओ, जो भाई नए देख रहे होंगे कभी कभी देखते हैं ये पुराने वालों से पूछ लो जो हमारे दुख सुख के साथी हैं जनवरी फरवरी में भी होते हैं ठंड के दिनों में भी, इनसे पूछ लो कि भाई हमारा तज़िए पे कभी कंप्रोमाइज नहीं होता, हाँ विराट का ये जो अभी कुछ लोग सुन के कह रहे होंगे अभी क्या ये तो शायद विराट नामा पढ़ लें शोर कर रहे आप समझ नहीं रहे, अभी क्रिकेट में ये 2-3 ही लोग रह गए और उनमें सबसे बड़ा विराट है, मुझे स्टीव स्मिथ की भी क्रिकेट देख के डर लग रहा है, वो टेस्ट में नहीं कर पा रहा उस तरह से डिलीवर, एलेक्स कैरी को 98 नॉट आउट करने पड़े, मैन होना पड़ा है तब जाके वो 3 विकेटों से न्यूजीलैंड से टेस्ट निकाल के गए भाई, आखिरी निकाल के गए, ये बड़ा मुश्किल बात को तो समझो कि जो रूट की हालत अभी इंडिया में तुमने देख ली चाहे उसके पीछे कसूरवार मकलम और ये तुच्छल किस्म की बेसबॉल हो, और अब अगर किसी को फिर समझना है जो नया देख रहा है ये पुराने लड़कों से पूछ लो यहाँ जो मौजूद है, लड़के भी होते हैं कुछ हमारी बहनें भी होती हैं, उनसे पूछ लो कि एक साल पहले ऐसे ही 10 लोगों ने कहा था अबे क्या बातें कर रहा है तू ये क्या हो गया, वो नहीं जानते थे कि मैं क्या सोच के कहता हूँ कि अभी ये बेसबॉल कामयाब तो है, तुम कह रहे हो अभी बेसबॉल सिर्फ इंग्लैंड में नहीं खेलनी, साउथ अफ्रीका में भी खेलनी है, पाकिस्तान में नहीं खेलनी सिर्फ के मोहम्मद अली दिखाया हुआ है, पाकिस्तान में तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया है बेसबॉल, असल में तो गुंडा इन्होंने खेलो जाके स्पिनिंग ट्रैक्स पे, अब दफना दिए धर्मशाला में, जिसने भी ज्यारत पढ़नी हो जाके धर्मशाला में जाके बेसबॉल दफन है वहां पर, मगर जो वासे ने बात करी एक दूसरा एंगल आपको देता हूँ, लोग कह रहे थे कि यार रोहित शर्मा तो कभी नहीं चाहेंगे कि विराट के बाद वर्ल्ड कप में जाए, चले उनको भी जवाब देता हूँ, रोहित शर्मा आज पहुंच गए वहां पर कहाँ पे वांगखड़े पहुंच गया आज वो, साथ में तेंदुलकर थे, क्या देखने गए थे वो, क्या देखने गए, रांझी देखने, एक आदमी जिसका स्टेटस ये हो कि मैंने नीचे के बच्चों पे भी नजर रखनी है, अपनी टीम भी खेल रही थी मुंबई पर ये के वदारवा के तेंदुलकर भी वहां साथ में, इंडिया में ये नहीं होगा क्रिकेट में, मुझे यकीन है कि रनिंग रोहित किसी जहन में विराट को नहीं, उसे पता है विराट हमारी यंगस्टर से ज्यादा है और विराट मैच विनर है, वो एक कप्तान जो रांची का मैच फाइनल देखने चला गया वहां पर ठीक है, और वहां पर उसको मैच देखने में मजा आया, लोगों से बात करी हो तो विराट कोहली के ऊपर अपनी
पागल हो गया। अगर फ्यूचर है अभी बच्चा है। हमने तो नहीं कहा था कि अंबानी नहीं बुलाना, तुम्हें जब अंबानी ने नहीं बुलाया शादी पे तो तुम सारी खान विराट पे निकालोगे, तुम्हारी ऐसी की तेजी। बहुत सो को नहीं बुलाया ना, कुछ इधर बैठ के टंडुलकर बता रहे थे। हमारा तो मुझसे पूछ लिया किसी ने, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा तुम्हारा सवाल है तो मैं रिप्लाई करता हूं। हमारी तरफ से तो फिर भी पोलार्ड चला गया था, देखा था 5-7 जगह छपी है, गल्फ में भी इंडिया में भी। क्यों छपी? अगर गलत बात करता कोई, चुटकला थोड़ी था तो नहीं छपती। सही बात है। छपती छापने वाले जो जरीदे होते हैं वो ये देखते हैं बात की गहराई क्या है। मैंने उसमें बताया कि जो बॉलिंग टंडोलकर खेलता था, मैंने पिन पॉइंट शोएब अख्तर की बॉलें याद दिलाई कि वो ऑफ स्टंप पे पूरी बॉडी ले जाके टॉस पे फ्लिक मारते थे 155 पे। अबे ऐसा तो कोई बॉलर बाबर को सपने में भी नहीं आता। और आप विथ यू ऑल रिस्पेक्ट, यहाँ बाबर का कसूर नहीं है, यहाँ उन लोगों का कसूर है जिनके पास अब दाना पानी खत्म हो गया तो वो आके पाकिस्तान की क्रिकेट पे मुसल्लत हो गए। अभी वो पहले कह रहे थे इस टीम की सिलेक्शन में मेरा कोई हाथ नहीं है, और कल परसों कह रहे थे कि एक लड़का मेरा था। क्या हुआ उस टीम का जिसने टंडोलकर की याद में बाबर का डिफेंस याद किया जो सिर्फ खड़ा रहता है? अबे मैं मुझसे आके बात कर लो, अबे देख पागल हो गया। पता है सचिन टंडोलकर जितना क्विक अपनी फीट पे चलते थे दुनिया में, उस एरा में सिर्फ एक ही आदमी था जो मेरा फेवरेट ट्रेनर रिकी पोंटिंग। सिर्फ अब मैं ये जो बात कर रहा हूं तुम लोग ये भी समझ लेना, ये मैं ओवरऑल नहीं कह रहा, फीट की टंडोलकर का मेरी नजर में, मेरी टेक्निकल नजर में रिकी पोंटिंग। बस खत्म, समाचार खत्म। और एक बस एम आज सेंचुरी नजर आई जब मुशीर खान 100 के अंदर थे और करीब 100 के। टंडुलकर पता चल गया, मेरा भाई भी खेल रहा है, मैं भी खेलूंगा। टंडुलकर जब मैच देखने के लिए तो बच्चे अच्छे आ जाएंगे। उनको इंस्पायर करने के लिए उन्होंने अपनी सेंचुरी तेज करी और उस सेंचुरी से लीड बन गई मुंबई की 500 से ऊपर तकरीबन जाके विदर्भ के अगेंस्ट खेला गया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब मुझे पता चला टंडुलकर आज अभी आ चुके हैं डगआउट में तो मैंने लाइक का बोल दूं, कर दो भाई लाइक, कर दो मोहब्बत में। मैंने उनको इंस्पायर किया और एक सेंचुरी करी। तो यार देखें आप जो मैंने संभाल लिया है ये बहुत, मैंने आधा घंटा लगाया है, मैंने बहुत गुस्से में थे। पहले तो मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट बता दिया, मैंने कहा यार आराम से थोड़ा समझा लेंगे, आप बोल लीजिएगा जोर से। ये कमेटी पूरी नहीं है अभी, पहले तो इस कमेटी को पूरा होना है, ठीक है? फिर अभी तक चेयरमैन नहीं पता चल रहा, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन है अभी? ये रोहित भारत का मुस्तकबिल बना रहा है, पर उसे पता है विराट अभी है में, विराट कोई टीम पे बोझ नहीं है, अरे परफॉर्म करके खेल रहा है। और भाई एक और बात बता दूं, जिनको मुंह की खानी पड़ी है विराट के नाम पर हमेशा, वो मौका ढूंढते हैं। और इत्तेफाक है कि ये ना अहल बेस बॉलर्स जो आए थे इनकी वजह से उन्हें एक इशू मिल गया कि विराट नहीं था और 4-1 हो गया। इतना अबे विराट होता तो 5-0 होता, ये तो 10-0 से हारने वाली टीम है। अगर इसमें से जो रूट को निकाल दो ना तो सिर्फ एक एंड से अक्षर कोई बॉलिंग करवा दो, ये जीत जाएगा इंडिया। अच्छे अल्फाजों में इनको क्यों नहीं रखा? इनको डिवाइड एंड रूल वालों को। उसकी वजह ये है कि पिछले 3-4 सालों से मुस्तकिल एक चीज नजर आ रही है जी, कि ये रन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, ये बनने नहीं दे रहे इंग्लैंड की टीम। वहां के भी लादी लोग यही है ना यार, असल में मीडिया पे बैठते हैं, ठीक है एनालिसिस भैया हर चीज बता दे मुझे। लॉरेंस हॉक जो इंग्लैंड का पहला कप्तान था जो इंडिया में, उसको घंटा जानते हो क्या? उसका फ्रंट फुट पता ही नहीं। अगर वो जिंदा होता ना ये माइकल बेवो और इसको पकड़ के विराट कोहली के मामले में ना कीजिए यार, ये सब लग जाएगा साइड पे। हाँ जब वो देखें कोई बदमाश नहीं है, अबे हम यहाँ इंतजार विराट की परफॉर्मेंस गिरी जिस दिन हमें लगा कि विराट रिटायरमेंट नहीं ले रहा, लेकिन विराट के कदम सही नहीं चल रहे। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, पुराने सबसे पुराने लौंडे तो जानते हो, हमने अपने शो में 2.5-3 साल पहले मैंने कहा था, देखो विराट कोहली जब रिटायर, विराट की क्रिकेट कैसे, हर किसी की होनी एक दिन कैसे खत्म होगी और विराट को कैसे पता चलेगा। विराट की फिटनेस पे कोई मसला नहीं होगा, अल्लाह ना करे उसे अगर बड़ी कोई इंजरी ना हो, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट प्लेयर है। विराट के रिफ्लेक्सेस कम होना शुरू होंगे और विराट कोहली इतना लॉयल आदमी है, अबे जो जिसे पता है जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही है 3 सेंचुरियां तो मेरी और रिकॉर्ड में लग जाएंगी, वो 3-4 बार तो आराम कर चुका है इन सीरीज में, तो यार उसे क्या भूख है। जब उसे बताया एफपीवाई के टंडोलकर की 400 कुछ इनिंग पे 49-50 थे वनडे में, आपके 50 हो गए, आपकी शायद 300 इनिंग भी नहीं है। अबे विराट के 400 मैच हो जाते अगर हर मैच खेलता और 80-100 हो जाते, अकल तो रखो अंधो। वो बेवा की खबर उठाई, वो खुद हम सबसे पहले, तुम सबसे पहले, अबे हम क्या एनालिसिस देंगे, वो खुद समझ लेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो ऐलान, वो
वो डायरेक्ट बीसीसीआई से बात कर लेगा कि मैं क्रिकेट छोड़ना चाहता हूँ। ये इन्होंने देखा कि एक आ रहा है स्पेस बड़ा, बड़ा स्पेस आ रहा है, अभी आईपीएल शुरू हो जाएगी। अच्छा कुछ लोग इतने बेवकूफ है, लिख रहे हैं कि विराट कोहली की फॉर्म देखेंगे आईपीएल में। विराट की फॉर्म चेक करो, करेगा कौन अगरकार, माजरत अगरकार मुझे पसंद है। अगरकार की मैं सबसे बड़ी शोहरत बताऊं, भारत में कुछ दोस्तों को बुरा भी लग सकता है, अगरकार 1997, 1998 और 1999, 2000 में सबसे ज्यादा मशहूर क्यों हुए थे? अच्छा लिटिल क्रिकेटर था, गंगोली उसे लाए थे, मुझे सब याद है भाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी वजह शोहरत क्या मिलेगी कि शाहिद आफरीदी इन्हें हर मैच में पहली बॉल पे छक्का मार देते थे, ये आउटस्विंग अच्छी करते थे ना, तो ये चांस आउटस्विंग जो करता वो चांस लेता आगे, तो आफरीदी चलाते ही आगे की बॉल छोड़ते ही नहीं थे, वो आफरीदी ओपन कर रहे होते थे छक्का मार देते थे। उस वक्त उस मूवमेंट पे आफरीदी अच्छा खेले, फिर कभी वो नीचे जाते थे बैटिंग नहीं आती थी, कभी वो आते थे दो तीन बॉलें खड़ी की आउट हो गए। बता सिर्फ ये रहा हूं कि अगर कार एक डिसेंट क्रिकेटर, ठीक है चीफ सिलेक्टर का अपना ब्रेन बन जाता है, क्रिकेट पे नजर है उसकी, लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है अगर कार ड्रॉप करेगा विराट कोहली को, नहीं कोई, हाँ कोई पॉलिटिकल बड़ा फैसला हो जाए वो एक अलहदा बात है। और भाई हम बीसीसीआई, हम क्रिकेट के लोग हैं, हम बीसीसीआई को मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्रिकेट की बेहतरी पर काम कर रहा है बीसीसीआई, फ्यूचर के लोग तलाश कर रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है। अगर इनकी सोच नालायक होती, नालायक, तो ये रोहित शर्मा को कप्तान थोड़ी बनाते, फिर तो ये हार्दिक को कह देते जा बच्चे ले जा, दोनों बातों में तजाद डिफरेंस आ जाएगा। मैं बताऊं, मैं सुनो, मैं वही कह रहा हूं कि तुम्हारे किसी खिलाड़ी का पता नहीं है कि वो कितना दस्तयाब है। एक खिलाड़ी ऐसा है जो जब से खेल रहा है दस्तयाब ही दस्तयाब है, वो कभी जाते ही नहीं कि अंगूठा टेढ़ा, उंगली टेढ़ी, नाखून टूट गया, उंगली देके जाता है वो, अभी फिर देके जाएगा तेजी, ठीक है। एक इतनी आसान मेरी दरखास्त है वो अपने यहाँ तो गिरेबान में झांक ले, या मेरी बीसीसीआई से दरखास्त है कि आप भी लोगों को चेक करवा लें कि जितने लोग आपके यहाँ बैठकर एनालिसिस। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नाम ले देता हूँ, मैं बाखुदा ये बात किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल रहा, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, हम तो मुद्दे पे आए कि ये ब्रिटिश मीडिया की पुरानी स्टोरी दोबारा से इधर उधर करके अल्फाज छपिए, इन्होंने पढ़ी है। अबे यार दोनों पढ़ी है, अभी डाल देंगे, अभी डाल देंगे, आप समझे नहीं, अखबार की एक खबर होती है, हाँ ठीक है, ये उस पे गेम शुरू हुई है, ठीक है, एक खबर होती है अखबार की और वो उनको लगता है कि यार अब मामला ऐसे हैं, इंग्लैंड को एल पे मारा कोहली ने, बच्चे रख लो, जो इंग्लैंड को एल पे मार रहा है वो उसे यकीन था जीत जाएंगे, जिम्बाब्वे को तो पता नहीं किस पे मारेगा, सोच रहा था इंग्लैंड को एल पे मार दिया, उसे पता था ये झटके की बेस्ट बॉल है, सोचो बच्चे खा जाएंगे, वो जिम्बाब्वे पे भी नहीं होगा, वो जनाब आईपीएल की, आईपीएल की फॉर्म चेक करो तुम्हारी, ये भी बता रहे लोग विराट की फॉर्म, कुछ लोग बड़े ब्लेस्ड है, वो हो सकता है अगर हम भी होते ना किसी भी जगह, एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ अरब लोग होते तो आप ही दोस्त कुछ लिखते हो, मैं तो भाई बड़ा, मैं तो यूं बस, नसीब है लोगों के पर लग जाते, नसीब पे तो कोई मसला नहीं है, सबका लग जाता है, हमारा भी आपका भी सबका, तो बात कहने की यह है कि बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखें एक एक तरीका बना लें, देखने वाले हमें भी उसमें रख लें, हमारा इंटरटेनमेंट हमारा स्टाइल सब आपको पता है, लेकिन तरीका ही बना लें कि जब हम बैठ कर जिस टाइम फ्रेम में पूरी क्रिकेट की ओरिजिनल बात कर रहे हैं, तो क्या हम उसमें आपको गलत नजर आते हैं कि यार हम क्या कोई, देखो एक लड़का है, फर्ज करो हमने बताया है, हम दोनों ने आपको कहा ये लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, या एक्सेल करेगा हमें लगता है, और वो नहीं कर पाया, बाकी चार बताए वो कर गए, तो कुछ की किस्मत मोहम्मद शमी जैसी भी होती है, मोहम्मद शमी को जानते हो गए कुछ लोग, बहुत बड़ा बॉलर था पाकिस्तान में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो ना लगातार खेल सका, एक पीरियड आया एनजी बाइनो से खिलाया, वो हमेशा अपनी एक फॉर्मेट की कारकर्दगी की वजह से सारे फॉर्मेट से ड्रॉप हो जाता था, क्योंकि वो इधर उधर बहुत बॉल करते थे, लेकिन वही समय अगर लेंथ और चैनल पे कर दे तो अनप्लेबल हो जाते थे, वो हकीकी 150 था भाई, उसका कोई बॉल एक दौर में 150-148 से नीचे नहीं होता था, और उसे बॉल करानी भी आती थी, पर लगती कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी मुंह पे हो गए, कभी पटक दी, लेंथ अच्छी पकड़ कर पाते थे। इमरान खान के करियर का वाहिद यही बॉलर था जिसको इमरान खान बहुत पसंद करते, इमरान खान की वजह से इंजमाम उलक ने खिलाया, उन्होंने कहा ये समी तो ऐसा बॉलर है इसे तो छोड़ दो, इंजमाम भाई ने सबसे ज्यादा खिलाया समी को, तो बता ये रहा हूँ कि कुछ की किस्मत ऐसी भी होती है कुछ बल्लेबाजों की। अब जैसे पाटीदार, मैं हमेशा उसे वाइड बॉल में प्रेफर कर रहा था, जब टेस्ट पे मौका मिला तो मैंने कहा नहीं यार रांझी में भी करा है उसने, देखो उससे अब तक टेस्ट में उसके पोटेंशियल पे रन नहीं हुए,
फिर वो इंजर्ड हो गया ना, रोहित उसे बिठा नहीं रहे थे, देवदत्त का मौका लग गया। अब देवदत्त जब कभी आगे जाओगे तो उसके रन आ गए, इसका ये मतलब थोड़ी है कि पाटीदार बुरा है। हो सकता पाटीदार आपको वापिस आके टेस्ट में भी देना शुरू कर दे, बट वाइड बॉल में वो बाहर वाली पिचों पे तो पागल कर देगा। मैंने उसका दो साल पहले लास्ट वाली में नहीं, जब उसने रन बनाया, जब वो दो मैच खेल के बाहर कर दिया गया था, मैंने जो जज करके बताया था वो पॉइंट ये था कि ये पेसर को बहुत जल्दी पिक करता है, स्पिन पे विकेट देता है। अभी अभी वर्ल्ड कप का स्क्वाड जाने में बहुत टाइम है। हाँ, स्क्वाड का तो लिखा है क्या भाई, ड्रॉप कर दो या अभी से क्या गेम बना रहे हो। इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ, देखिए विराट का तो कुछ उखाड़ नहीं सकता कोई, ठीक है, नुकसान किसको हुआ है, जो तीन नंबर पे ऑप्शंस छोड़े गए ना, उनके जहनों में सवाल आ जाएगा यकीनन, जान पूछ कर ये काम उतारा गया कि उन बच्चों के भी जहनों। अबे रिंकू क्या, अब ये इंडिया खेल के बना है, वो तो काफी पहले का बना हुआ है, मौका मिला 100% प्रूफ किया, ठीक है। सूर्या कुमार सबको पता है T20 का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, ठीक है, और उस जैसा बल्लेबाज है भी कोई नहीं, नंबर वन वो भी है। सबकी अपनी अहमियत है, इसका विराट से देखो, आप आपके जहनों में डाल दिया ना कि विराट वर्सेस बच्चे कर रहे हो आप, ये बच्चे तो आगे भी खेलेंगे, विराट और रोहित दो साल ढाई साल तीन साल जब तक इनकी फिटनेस और कारकर्दगी है खेलेंगे। विराट को ये फिक्र नहीं है कि उसने खेलना है या नहीं खेलना, ठीक है, उसने जब खेलना है तो मतलब लोगों के लिए खेलना है, वो जब तक खेला है लोगों साफ बात कर दूं, लोगों के एक आग और भी लगी है फॉरेन करने पे ना, दुनिया बड़ी तेज है फिंगर टिप्स पे सोशल मीडिया। ये जो हमने भी तीन महीने होंगे ज्यादा जो ओलंपिक वालों के बयान पे प्रोग्राम किया था, जाओ गूगल कर लो, ओलंपिक में क्रिकेट सीधा लिख के आता है सीधा कि विराट की पॉपुलैरिटी की वजह से, क्या पता ये भी कुछ लोगों से हजम ना हो रहा। इवन इन इंग्लैंड ओलंपिक में तो सबको पता, वहां तो हर मुल्क होता है, वहां तो 100 तरह के, पता नहीं 300 तरह के तो खेल होते हैं। यार एक बात वही मैं कहने वाली बात है कि कल अगर जैसा ने कहा, हमने तो नहीं कहा, जैसा ने कहा ना कि भैया हम बीसीसीआई क्योंकि हमारी फैमिली है और हम अपने फैसले खुद करते हैं, वो कि भाई वो तुम लोग इस बात पे कह रहे हो सुन लो, ये हाँ यही एक लड़के ने, बेटा देखो मैं ज्यादा नहीं बोलता, सब हमारे भाई हैं, तुम कभी कभी सुनते हो बेटा, बात मैंने कल भी हमने सही उठाई थी कि वो इन्वेस्टमेंट ही चाह रहे हैं, बेसिकली इसे कहते हैं कि अपना हिस्सा डालना। देखो अपनी चीज में कुछ लोग समझदार होते हैं, वो चाहते हैं कि जैसी भी अपनी चीज छोटी है या बड़ी है, तो आईपीएल तो बहुत बड़ी है, पैसे की कमी नहीं है, अंबानी जैसे लोग हैं, काव्या मरण जैसी खवातीन है, मतलब प्रीति जिंटा, कौन कौन उनके जो वो असल जो नेस वाडिया जिनकी ये टीम थी पंजाब वाली, मतलब ये किस मतलब अबे कलकत्ता के पास कितना पैसा है देखना है, तो 25 करोड़ का स्टार के 25,000 कम, पौने 25 करोड़ का तो स्टार के जिसपे सुनील गावस्कर ने कहा बस यार एक वैल्यू होनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल में ये प्लान किया जा रहा है आईपीएल को लेकर, ये आईपीएल में अगर लोग इन्वेस्टमेंट का मना कर रहे हैं तो ये इंटरनल मैटर है, ठीक कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कुछ जो मामलात हैं वो इस हद तक जा रहे हैं कि इस हद तक इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली, वो वाली कि हमारे यहाँ मैचेस कर हमारे सेंटर्स पे मैचेस आईपीएल के कराए जाए। हो सकता है कि कमिंग पीएसएल 2025 का बता रहे हैं कि इससे बड़ा मेगा ऑक्शन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा जिसके बारे में बताया गया। मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कतर वगैरह या फिर यूएई वगैरह में शायद आईपीएल के मैचेस करवाए जाएं, हो सकता है जो मामलात नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं ये वाली इन्वेस्टमेंट के, जी हमारी ब्रांड भी खड़े कर दो, हमारे डी फ्रीजर भी इलेक्ट्रॉनिक बिकवा दो, ये वाला सीन होगा, ये वाला सीन होगा ऐसे ही, और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। बहरहाल एक ऐसा मुद्दा जिस जो मुद्दा है ही नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ विराट तो सिंपल एक क्रिकेट का खिलाड़ी है भाई, ठीक है, और उसने अपनी क्रिकेट से नाम बनाया है, ठीक है, किसी मतलब उसके अब्बू ने उसको नहीं खिलवाया, उसके अब्बू का मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो तो बोल लेते कि अगर पैसे देने पड़ रहे हैं ना इसको खिलाने के लिए तो इसको छुड़वा दो क्रिकेट, इसको क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा अगर पैसे देने पड़े तो। बहरहाल वहां से और यहाँ तक का आईपीएल होगी तो अभी देख लेंगे ना, देख लेते हैं और भी देख लेते हैं। अब मैं फिर कुछ यार वही बात है, असल में तजिया बड़ी खतरनाक चीज है, हर किसी की अकल में बात जाएगी नहीं। अबे पांच प्लेयर हम दोनों ने तारीफ हो सकती दो साल पहले हमने पांच प्लेयर बताए थे, देखा भी नहीं होगा लोगों ने बहुत से उसको, उनको उनमें से एक खेल गया, एक आ गया आयुष बदूनी अभी लाइन में लगा हुआ, उसकी भी कोई स्टोरी चल रही है कल से, मुझे याद नहीं है कौन सी, मिस कर गया मैं, लेकिन बदूनी और दो और साई सुदर्शन भी पिक किया था नंबर एक पे, साई सुदर्शन तिलक पहले खेला, सुदर्शन बाद में आया उमर की वजह से, पर सुदर्शन वाला टैलेंट हमने कहा था वो किसी में नहीं, और अगर वो जो फिनिशिंग वाला है वो जो छोटे टचेज है यू भी मार दिया उसमें आयुष बदूनी का भी मैच नहीं। लेकिन फिर कहता हूँ क्या लखनऊ के क्रंच गेम में आयुष बदूनी ने किया 70, समझाने बताता हूँ मैं तो, क्या फाइनल जीते इनकी वजह से, समझो
ये बच्चे ग्रो करेंगे, अभी स्टिल दे आर स्टिल लर्निंग। देखिए ऋषभ, आर्ट उन्हें अच्छी तरह कैसे आएगा? ऋषभ पंत को मैं ये नहीं कहता कोई कंप्लीट नहीं है यार, कोई चीज विराट भी सीख सकता है अभी भी करियर में, लेकिन ऋषभ पंत को आप कह सकते हैं कि यंग टैलेंट जो इंडिया ने निकाला, जो सबसे वनरेबल लगता है खेलते हुए टेक्निक वाइज, वो उनमें सबसे कंप्लीट क्यों लगता है? यहां से मजबूत हो गया वो, क्यों हुआ? वो सारी क्रिकेट खेला किन के साथ? रोहित और विराट के साथ। सही बात है। तो ये बच्चे भी जब रोहित और विराट के शेडो में खेलेंगे तो मजबूत होंगे। समझाने की बात ये है यार, पिछले अबे अच्छी बली जिसे जिस जगह जिस मुल्क में क्रिकेट का एक बड़ा पुख्ता निजाम चल रहा है, पुख्तगी है, उसकी बैंड बजाने के लिए क्यों लोगों की बातों पर कान धर देते हो? अबे ये गली के टुच्चे विराट को थोड़ी कहेंगे कि बाहर हो गया तो बाहर हो जाएगा। आयो को बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल होता तो यार बात करते किसी और तरह, उनकी भाई रिव्यू कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। देखो इंग्लैंड की जो शिकस्त थी ना, उसके नतायज भी बताते दुनिया को, अपने लोगों को भी बताते कि भैया ये इस वजह से, इसको इस वजह से नहीं खिलाया, उसको इस वजह से ड्रॉप रखी, ये भी तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। इंग्लैंड की नामुकम्मल टीम जो उतरी, ये किस वजह से, शिकस्त की वजह इनकी क्या थी, किस किस को ड्रॉप कर दिया इन्होंने, किस किस है ही नहीं, लड़के ही नहीं है इनके पास। एंड्रेसन को लड़के होते तो शान मसूद बुला रहे होते, हसन अली बुला रहे होते। एंड्रेसन अपने करियर में 150 अरब लोगों के दरमियान बॉलिंग करना चाह रहे थे, आप समझे नहीं अभी इनके सभी मजे लगे हुए। मैं तो उसको एहतराम में कुछ नहीं कह रहा भाई, एंड्रेसन की इंग्लैंड से बाहर वो कारकर्दगी कभी नहीं रही जो इंग्लैंड में होती है। सुनो मैं बताऊँ, ये जो वोडा फोन के लगाते ना लोग पीछे स्टिकर, अभी 2-2.5 करोड़ की व्यूवरशिप है उसके पास इंग्लैंड में, ये 150 करोड़ में क्यों उतरे गए? अबे इनकी फनकारियां चेक करो तुम, ये आप समझे नहीं। वो बताओ ना कि इंग्लैंड की नाकामी की वजह क्या थी? छापी इन्होंने ये खबर सबसे पहले, इंग्लैंड की नाकामी की वजह तो तुम्हें पता नहीं थी, हाँ ये तुम्हें पता चल गया। अरे तुम लोग बेवकूफ, 700 के लिए वो टेस्ट कितने खेला है तो देखो, फिर इन एशिया देखो, फिर इन एशिया देखो यार, इनसे कोई सिखा दो यार, तुम सबको तो आते हैं, इसे सिखा दो जरा स्टेट्स कैसे चेक करते हैं। एक कॉलम ऐसा भी आता है उस पे भी आता है आसमानी किताब पे यार, मैं बता देता हूँ, एक ऐसा भी आता है जिसमें आता है इन एशिया इन हवे होम, जरा चेक करो फिर देखो, कैंडिसन का दिल दहल जाएंगे तुम्हारे। अबे भाई उससे एशिया में आउट ही नहीं होते थे, अब तो वो थोड़ा सा लास्ट टाइम, अभी नहीं जो लास्ट टाइम इंडिया आया था तो उसने फिर एक मैच में रिवर्स स्विंग की वजह से आउट किया। पंड का मैं बता रहा था यार, असल बड़ी खबर तो उसकी लगी है और बीसीसीआई से लेकर तमाम लोगों ने जो है ना उसको वेलकम किया है, और उससे भी उससे उसके साथ भी एक सवाल जोड़ा है, वो यही सवाल जोड़ा है कि क्या ऋषभ पंत आईपीएल के बाद अवेलेबल होंगे T20 वर्ल्ड कप? बिल्कुल नहीं होंगे, मैं आपको ये अभी खुला बता सकता हूँ, ये इतना तो खुला कोई भी नहीं बताएगा। उसकी वजह ये कि वो अपनी इंजरी से वापस आ रहे हैं साल सवा साल के बाद, और जिस तरह की उनकी इंजरी थी, एक हादसे का शिकार हुए, और वो हादसा यकीनन रियलाइज होता होगा जब सोने के लिए लेटते होंगे, कहीं ना कहीं उस फेज में कहीं ना कहीं आएंगे। जहनी तौर पर अपने आप को तैयार करने के लिए पहला आईपीएल वो कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, अपने आप को तैयार तो उन्होंने इसी अंदाज से किया होगा, खिलाड़ी यकीनन मेहनत करके ही आता है फील्ड के अंदर, मगर जिस अंदाज से ऋषभ पंत को वेलकम किया गया वो काबिले दीद है, और ऋषभ पंत यकीनन अपने ऊपर जो सवालात है वो परफॉर्मेंस से ही देंगे, मतलब सवालात का मुंह से जवाब, खिलाड़ी का मुंह का जवाब थोड़ी होता है, उसके बाद परफॉर्मेंस जवाब होती है, और परफॉर्मेंस से देने की कोशिश करेंगे। ये कबला स्वस्थ होगा कहना कि ऋषभ पंत, देखिए मेरे ख्याल में आईपीएल के खत्म होने से पहले पहले तक शायद बीसीसीआई अपना स्क्वाड का ऐलान भी कर चुका हो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऋषभ पंत इस रेस में नहीं है, तो इस रेस में ऋषभ पंत अभी नहीं है भाई, उसकी नहीं है प्रॉपर करा लो, ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी ना आपकी, उसमें अवेलेबल होंगे, मैं आपको अभी कंफर्म कर सकता हूं टेस्ट के लिए। क्या कहा शुभमन गिल के अब्बू ने, तुम लोग लिख रहे हो फादर्स स्टेटमेंट, क्या है बता दो? कुछ नहीं, वो लौंडे की तारीफ कर रहा होगा अपनी, बोल दो और क्या है, अच्छी बात है बच्चा उनका अच्छा कर रहा है वापस, उसमें पोटेंशियल हमेशा से, थोड़ा सा उसका फोकस हटा था, फॉर्म नहीं हटी थी, उन्होंने बात करी थी उसके, यही करी होगी उन्होंने अपने बच्चे पे बात, खिलाड़ी पे अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं करोगे ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी चीजें। वेस्ट इंडीज में एक टीम लेके अभी 5 महीने पहले गया था पांड्या, देख लो जरा, वेस्ट इंडीज के लड़के जिन्हें मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता उनसे हार गया था जी। अब ये भी एक मिसाल है कि बगैर, देखो आप लोग समझे नहीं, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि इस खबर को निकाल के इट्स अगेन विराट वर्सेस रोहित कराए, ये जी। है ही नहीं, ये समझाने की बात ये है कि विराट और रोहित एक असासा है, एसेट है, आप फाइनल खेलो इन दोनों के साथ, और दोनों की कारकर्दगी, रोहित ने जो अपनी टीम में रोल लिया हुआ था, मैं ऊपर से तेज खेलूंगा, वो तकरीबन हर मैच में 30-40 रन करके गया, सबसे मुश्किल रोल लिया था, पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने का रोल नहीं लिया था उसने, वरना जो
जो फाइनल जैसी पिच पर 29 पे 46 बना गया, अगर वो थोड़ा सा रुक के खेलता तो वो 100 भी कर जाता। उससे बस एक ही चीज गलत हो गई, उसे लगा था कि मैं मारता जाऊंगा, एक मोमेंटम बन जाएगा, हम संभाल के कहीं ना कहीं 280-90 तो कर लेंगे इस विकेट पे। और 280-90 पे फिर आसानियां नहीं थी, सबको पता है, चाहे विकेट वो रात को सीधा हो जाता है विकेट, लेकिन जो उस विकेट का असल आदमी था, जो वहीं सोता है, वहीं वॉशरूम करता है, हार्दिक पांड्या, उसका जवानी में पाँव घूमा, वो कमर की इंजरी नहीं थी, पाँव घूमा, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। कमाल है यार, कुछ बातें ना कॉमन सेंस से खेली लगती हैं। देखो यार, चौधरी बनना, मैं हमेशा ही कहता, मैंने तो कहा था इसका गया वर्ल्ड कप, आपकी ये भी बात पूरी हुई थी वही हमारी, एक मैच नहीं वर्ल्ड कप, आपकी टीम में चार ऐसे खिलाड़ी हूँ, चार ऐसे खिलाड़ी हूँ जो आपको कवर करते हूँ, तो आपसे बड़ा चौधरी कोई नहीं होता। अकलमंदी क्या होती है कि परफॉर्मेंस देनी होती है, जबान नहीं चलानी होती है, इसने परफॉर्मेंस कम जबान ज्यादा चलाई है। इस एटीट्यूड बिहेवियर जो उसका नजर, बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो मतलब ठीक है, कभी कभी तो समझ में आती है, जब तक छोटा था, जब तक चल रहा था कि भाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी रन आउट करा दिया जडेजा ने, बल्ला मारता हुआ, हमें भी, मुझे भी ये हुआ कि नहीं यार ये खेल रहा था, मैच बन सकता था, छक्का मारना, जीतता नहीं, जीतता इंडिया आसान नहीं था, जीतना एक ही बॉल, लेकिन बहुत करीब, मतलब वो 180 रन वो तो से नहीं हारते, शायद 80 हो जाते, शायद 50 हो जाते। अच्छा, फिर उसके बाद डे बाय डे से अपने आप को इम्प्रूव किया, मगर जब ये लानतों में पड़ा ना, छिछोर बन गई, वहां से ये खराब होना टेस्ट क्रिकेट धोनी के बाद इसने थोड़ी बचना शुरू किया। साथ सुन लो, मैं कई रवि शास्त्री इसका आपको बता चुके हैं कि ये वनडे भी नहीं खेलना चाहता, ये अगर कोई जीत हाथ लग जाए तो उसमें बह जाते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं मुंह से, आप समझे नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, कुछ भी बोलने से हुआ ये कि इनके मुंह में मसला आ गया, वेस्ट इंडीज से आ रहे, जीतना जो है कभी कभी अच्छा हो रहा है, अबे लानत है, सीरीज हार गया तू बोल ले जीतना, मतलब इतनी बड़ी टीम का तू, इतने सारे लोगों के तू जिम्मेदारी लेकर उतरा, तेरे मुंह पे मतलब ताला भी नहीं है, अबे तू साइड में अपने दोस्तों से कर ले ये वाली बात। तू धोनी का टाइम टेस्ट खेल के दिखा दिया इसने, धोनी कप्तान नहीं भी थे तो आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि धोनी जो कह देते थे वो कोहली भी कर देता था। धोनी के टाइम इसने दिखाया मैं हर फॉर्मेट में अवेलेबल हूँ। शास्त्री इसको पकड़ चुके हैं, बुराई में नहीं, वो इसकी आपको सोच बता चुके हैं, अबे कोचते शास्त्री के सामने ही खेलना शुरू किया इसने। अरे शास्त्री ने कहा था कि ये शायद भारत में ही खेलेगा 50 ओवर का वर्ल्ड कप, ये खेलना ही नहीं चाहता है, सिर्फ एक आप एक बात बताएं, आप सिर्फ T20 खेलना चाहते हो जवानी में अपने मुल्क से, कैसे ये रिस्क ले दिया, लेकर आपको कप्तान बना के छोड़ दिया जाए, हालांकि नायब कप्तान रखा है जयशाह ने, हमने शास्त्री BCCI को हमेशा उसके क्रिकेट आई के ऊपर बैक किया हमने, उन जैसी बात मैं आजकल मुंह पे कहता हूँ खुल्ला या और वहाँ, वो मैच देख के उसमें ये जिगर है, अगर गलत भी हो जाए, इसने प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि उसकी आंख में वो बाल नहीं था, आंख थी क्रिकेट वाली, इसलिए उसने बताया कि भैया लाइक तो कर दो वीडियो यार, इसको अगर प्यार से कंधे पे हाथ रखो तो कल ये तुम्हारी गर्दन भी दबा रहा होगा, ये वाला आदमी है, और वो उसने प्रूफ भी किया। बहरहाल मुद्दा अभी ये नहीं है, उसने मुंबई को लीड भी करना है, यहाँ पे देखना है अभी मुंबई इंडियंस का क्या हाल होता है आज IPL के अंदर, क्योंकि हार्दिक पांड्या लीड कर रहे हैं, अच्छी बात ये होगी पूरा सीजन खेल जाए ये, अच्छी बात ये होगी, क्योंकि ये पहले एक दो मैच में बड़ा चलते हैं ये, और तीसरे चौथे मैच में बड़ी ये जरा रेस्ट कर रहे होते हैं। बबूमा कहाँ है आजकल, गुस्सा झंडा कर लूं मैं, बबूमा कहाँ है कि लास्ट ईयर का जो IPL था, रोहित को इंजरी थी उसके बावजूद IPL में पूरी प्रेजेंस थी उन्होंने, ठीक है मुंबई वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी, मगर अब मौका है इनके पास के अपनी उम्मीदों का शहजादा जो कप्तान उनको चाहिए था, मेरा पांड्या, वो उन्होंने उठा लिया है। अब देखें मुकाबले फिलहाल कैसे होते हैं, मगर आज शाम में जो कुछ मैंने देखा उसके बाद से एक ब्लड प्रेशर थोड़ा सा जरूर बढ़ा, उसकी वजह ये कि यार क्रिकेट में अब आपको पता ही है दुनिया भर में ग्रेट्स की तो हर मतलब मंडी लगी हुई है, कोई भी खेल जाता है, मतलब ब्रूंडी से भी अगर कोई 50 मार दे तो ब्रूंडी में भी लोग उसको कहने लगेंगे हिरन सोनी की ये ग्रेट है हमारा, हिरन सोनी क्या हाल है, तुम्हारी याद आ गई, तुम्हारी याद आ गई पे चल रहा है, 50 पे नंबर कौन करेगा, 5 आउट हो गया, लेकिन उसामा मीर को वो कोई यूसुफ खेला है ना इनका, कौन सा यूसुफ है वो, कोयटा ने खिलाया है, 24 पे 37 या 23 पे 37 करके गया। वो असल में रायली, अब मैं कुछ बोल नहीं रहा था इस पे तो बाद में। अच्छा, ऐसा ही यहाँ पर भी यही चल रहा है, यहाँ कप्तान का मसला चल रहा है, ऐसा लग रहा है खिलाड़ी बहुत सारे एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं, यहाँ पे कप्तान की कमी है, जैसे अबे रायली रसो ने इस विकेट पे बैटिंग दे कैसे दी कराची में, यहाँ तो पहले खेलो 150 करो, 150 करो, 60 करो, गेम फंस रहा है। भार भार गोरा कप्तान है, नहीं गोरा नहीं है, पहले लास्ट सीजन मुल्तान सुल्तान में ही था, दो सीजन में ये उससे पहले कोटा में था, हर साल आएगा ये यही घूमता, ये खैर सगाली का जज्बे को फरोग दे रहा है, अगर तो यही घूमता फिरता रहेगा तो लोग पूछते रहेंगे भाई आप मैच कैसे आ रहे, मैच कैसे आ रहे। हाँ, उमर बिन यूसुफ है, सही
कोई बच्चा बताओ वो अब कहाँ है बैटिंग करने, हम तो लाइव हैं आपके साथ, हमें तो पता है। हम जब बैठे थे लाइव तब तो मैच शुरू हुआ था, पहला ओवर चल रहा था, अब 91/7 हो गए। बताओ फ्रेंचाइजी का काम हो गया कि नए बच्चों को मौका देना और वहां से फिर अगर आपने इंप्लीमेंट करना है और टांगे पूरी हैं। अब इन जगहों पे अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि तूने कराची की पिच पे बैटिंग कैसे दे दी, यहाँ तो सब बैट फर्स्ट चाहते हैं। सिल्वर साइड पर रिजवान ने कहा ना यार, मैं तुम मेरे पास थे पहले, याद रखना, ये भगाएंगे तो मैं ही लूंगा। रिजवान ने हाथ जोड़ के कहा होगा यार, है रायली रसो को यार मैं बैटिंग मुझे करने, मैं भी मुझे भी करा दो। चलो तुम्हें भी करा देंगे, बाकियों को भी करा देंगे। यार हमने अभी तक अपने दूसरे किसी पे सुना नहीं, हल्का फुल्का क्रैक हो तो मुझे ये यकीन है आवाज आ गई होगी। भाई ये आवाज का मसला नहीं था, शायद होता है कि हम रीस्केड्यूल करते हैं या नेट की कमी की वजह से भी होता है कि सिंक हट गया हो, तो थोड़ी वॉइस में अगर डिस्टर्बेंस इस स्ट्रीम में हुई हो, आपकी मोहब्बत थी। देखो यार कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 मिनट क्या बंद करें फिर बनाए, तो मोमेंटम भी टूटता है। तो वरना ठीक है यार, अभी जब तक मैच वैच डे नहीं है तो भाई कल से रिकॉर्ड करके फेंक देंगे थोड़ी देर के बाद, कल से ये कर लेंगे। लेकिन ये एक आधी दिन होता है, ये नसीब की बात है, तो जरा साथ दे दिया करो, साथ दे दिया करो। सीएसके वर्सेस आरसीबी, ये आईपीएल, ये पीएसएल निपटा दें, हमारा खत्म होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे कुछ। हाँ करेंगे, बस ये बिल्कुल करेंगे भाई, पूरी सिर्फ एक मैच क्यों, सारी टीमों की बात कर लेंगे, चीधा चीधा प्लेयर्स पर। अब जो ऐसे करते हैं हमेशा, अब जो मैचेस हो रहे हैं प्लेऑफ की, तो आपको पता है टीमें अनाउंस पता ही चल चुकी है कि 4 टीमें आ चुकी है, तो सब ठीक है ना। थैंक यू, कुछ ज्यादा ही लिखते हैं नो, लेकिन झगड़ा नहीं है कोई बात। नंबर और 3 नंबर मैं भी वासी से, चले मैं आपको बता देता हूँ, वासी को मैं यही कह रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है कल से कि ये फाइनल की 2 टीमें जो मुझे नजर आ रही हैं पीएसएल के अंदर, इस्लामाबाद और इस्लामाबाद, ये दोनों एलिमिनेटर खेलेंगे। खेले जो जीतेगी फिर वो इनमें से एक से खेलेगी, मार देगी, ठीक है, मार देगी, फिर मार देगी, मार देगी सीधा सीधा। अगर शादाब अपने पोटेंशियल पे खेल और खिला गया और हमारा बच्चा आजम मैं टीम पे बात, वो मायूस ना करे, मैं ये नहीं कह रहा सारे रन करे, शादाब को, तो शादाब की टीम में सबसे ज्यादा जान है। नहीं नहीं, मेरे पास को इतना टाइम थोड़ी कि शादाब को दुआ दूं, अबे अपने पैसों के लिए खेल लाना थे। मैं कह रहा मैं तो पाकिस्तान में 3 कप्तान फेंके हुए, जो असल कप्तान था उसको भगा दिया आपने, आपने भी ज्वाइन कर लिया लग रहा है लॉबी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यार शादाब की क्या बुराई कर दी शादाब ने, अनफिट था वो। नहीं नहीं, अनफिट 2021 के जिस वर्ल्ड कप को शाहीन के छक्कों को रोते, अगर शादाब वह 4 विकेट नहीं लेता, स्टीव स्मिथ, इनके अब्बू मैक्सवेल और डेविड वार्नर और वो कौन है मिचेल मार्श, अबे तो ये लड़ते भी क्या, ये तो 15 ओवर में हार जाते। मिचेल मार्श होंगे जिस तरह मार रहा था डेविड वार्नर, मिचेल मार्श को कप्तान बना दिया, इसे कहते हैं ऑनर करना। अच्छा एक इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर ने कहा है कुछ अरसे पहले, वो लोग मुझे याद आ गया कहा हुआ है उसने, शायद लोग बहुत लिखते हैं कि वो आरसीबी इस बार टाइटल जीतेगी। आरसीबी तो शॉर्ट रह जाती है स्ट्रेंथ वाइज, मैं हमेशा नोट कर रहा हूँ, उनके पास बैट्समैनों की भी कमी हो जाती है, हसरंगा होता है तो वो बाहर कि मैं तो अनफिट हूँ, उनके पास जो भी आता है, ब्रेसवेल था वो भी अनफिट हो गया, जो नीचे से बैटिंग करके भी जितवा देता है, तो वहाँ ना थोड़े ये मसाइल होते हैं। ओवरसीज वो ज़्यादा पिक भी नहीं करते, बैलेंस अच्छा नहीं होता, उनकी पिकिंग में ज्यादा मसला है, बॉस लड़वाने में मसला नहीं है। यार विराट ही आरसीबी है, आरसीबी विराट है। हाँ विराट ही आरसीबी और डुप्लेसी, डुप्लेसी अभी जिंदा है, डुप्लेसी मामूली क्रिकेटर नहीं है भाई, आपकी आईपीएल में भी वो चेन्नई को ऐसे भी खेलता रहा है। डुप्लेसी फ्रांसवाइज डुप्लेसी इज सच अ वंडरफुल क्रिकेटर और ही ऑल्सो गॉट। अच्छा फिर ये खबर, ब्रिलियंट क्रिकेटिंग ब्रेन, पता है क्यों काट रहा है कीड़ा, इसलिए भी काट, बल्ला बंद हो जाता था उसका, सईद अजमल की बट्टा पे स्ट्रगल करते थे, इसलिए भी काट रहा है कि खबर नहीं मिल रही किसी को कि विराट आईपीएल आईपीएल खेल रहे, प्रेशर इसलिए डल रहा है कि आईपीएल खेले। अबे उसका तुम्हें ये तो पता नहीं है कि वो आईपीएल, फ्रेंचाइजर से डलवाई होगी कि शोर मचाओ तो आईपीएल खेलेगा। आप समझ रही, उसका तुम्हें इंडिया में रहते हुए ये नहीं पता कि वो आईपीएल खेल रहा है या नहीं, ये तुम्हें पता चल गया कि वो T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप होगा, मैं लालच है तुम्हारे मुंह पे, कैप्टन छोटी सा बिल्कुल है ये तो मालूम, ये मैं बताऊं कि आईपीएल खेल रहा नहीं खेल रहा, ये भी तुम बताओ। अगले साल रोहित शर्मा कप्तान होंगे सीएसके के, क्योंकि धोनी इस साल शायद खेल रहे हैं, तो धोनी का एहतराम है, ये तो सबने सुनी लिया होगा। विराट और आईपीएल लाजिम और मंजूम है, और रोहित शर्मा आराम कर करके अपनी मर्जी से खेलेंगे, मार्क बाउचर को पूरा डंडा देके, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, जब दिल चाहेगा जब खेलेगा, जब दिल नहीं चाहेगा नहीं खेलेगा। बहरहाल पांड्या कप्तान तो मुंबई के होंगे, मगर कप्तान तो सिर्फ कप्तान ही होंगे वो। धोनी पे क्या बोले यार, धोनी ग्रेट है, ईमानदारी से ग्रेट है। अच्छा हमारे यहाँ जितने क्रिकेटिंग ब्रेन्स हैं वो धोनी को बड़ा मानते हैं। अब मिसाल है, जो अपना अपना पौका चढ़ाना होता है, चलाना होता है, तो वो देख लो ना, एक आदमी
का कंपैरिजन एक और भी कर दिया कि धोनी और इसमें सिमिलैरिटी है। बस आप समझो लीग में देखकर महेंद्र सिंह धोनी और एक आदमी यार बस समझ जाओ, इसलिए नहीं जीते ये लोग कोई ट्रॉफी। सरफराज बहुत अजीब सा खिलाड़ी है, लेकिन सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी क्यों जीता तुम्हें समझ आता होगा, उसने कभी इस तरह के बयान दिए ही नहीं, फला उससे मिलता है फला उससे मिलता है, बस वो स्ट्रीट स्मार्ट था, उसकी लाइफ थी, उसकी उम्र ज्यादा हो गई, हम उसे एक साल से कह रहे थे कि अब तुम रिटायरमेंट ले लो, ये तुम्हें वैसे भी अब खेलने नहीं देंगे तरीके से। अबे क्रिकेट होगी तो जीतोगे ना, जब क्रिकेट ही नहीं होगी साजिश होगी, साजिश होगी तो फिर तो चले घंटे से पहले निकल लें, नाजायज बच्चों से बचो जो अब्बू के बगैर यतीम हुए। अबे अबे अब्बू जिंदा है भी क्रिकेट के, क्रिकेट के हाँ कोहली अभी